जी हाँ, भारतीय संस्कृति को याद करते हुए होली मिलन समारोह व रंगारंग कार्यक्रम का यह आगाज है। पंजाबी एकता मंच के अगुवाई में संचालित समारोह दिल्ली पीरागढ़ स्थित चेरिस बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुआ। इस मौके पर मंच की ओर से ज्ञान धमीजा, अशोक गुप्ता, सोमनाथ अरोड़ा, वेद प्रकाश ढिंगरा, विकास चालना, पुरुषोत्तम कालरा, तिलक राज पावा समेत समस्त कार्यकारिणी सब परिवार मौजूद था। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, तो दूसरी तरफ अतिथि के रूप में सांसद उदित राज, विधायक रघुविंदर शौकीन, पार्षद विनय रावत भी उपस्थित रहे। होली के इस यादगार क्षण को रंग देने के लिए पंजाबी कलाकारों ने खूब सुर व ताल का जादू चलाया। पंजाबी एकता मंच अच्छी सोसाइटी है, ज्यादातर बिजनेसमैन और निष्ठ है और देश भक्ति की भावना तो कूट कूट करके भरी हुई है। होली का त्यौहार जो संदेश देता है, भाईचारे का देता है, और जो पहले के पुराने शिकवा शिकायत और गिला होता है उसको आज मिटा दिया जाता है। पंजाबियों को अपना एक विशेष नाम है, उनका एक विशेष स्टैंडर्ड है अपना, लेकिन उन सभी को, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने अपने अलग अलग उसमें मस्त हैं, तो उनको सभी को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश है कि अपने सुख दुख में साथी बने और अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपनी रिश्तेदारियाँ बढ़ा सकें। उस मकसद को लेकर पंजाबी एकता मंच का जो गठन किया गया है, और मैं आप लोगों के इस माध्यम के द्वारा मैं लोगों से भी और अपील करना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम जो है इस पंजाबी एकता मंच, जो एक गैर राजनीतिक मंच है, इसके मेंबर बने और मिलजुल कर और देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। पंजाबियों को अपना एक विशेष नाम है, उनका एक विशेष स्टैंडर्ड है अपना, लेकिन उन सभी को, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कहीं ना कहीं बिजनेस में अपने अपने अलग अलग उसमें मस्त हैं, तो उनको सभी को एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश है कि अपने सुख दुख में साथी बने और अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपनी रिश्तेदारियाँ बढ़ा सकें। उस मकसद को लेकर पंजाबी एकता मंच का जो गठन किया गया है, और मैं आप लोगों के इस माध्यम के द्वारा मैं लोगों से भी और अपील करना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम जो है इस पंजाबी एकता मंच, जो एक गैर राजनीतिक मंच है, इसके मेंबर बने और मिलजुल कर और देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। बहुत खुशी की बात है, हमारी मियांवाली और आसपास की कॉलोनियों ने मिलकर एक पंजाबी एकता मंच बनाया है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। चारों तरफ पंजाबी एकता मंच ने धूम मचा रखी है, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति होगा, वो सभी व्यक्तियों का स्वागत है। सबका यहाँ पर इस मंच के ऊपर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। देश के लिए कार्य करना चाहिए, आज देश के लिए हमें जो भी जो कार्य कर रहा है उसे ईमानदारी के साथ